नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना सासना पुलिस और एसीपी तृतीय ग्रेटर नोएडा की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इन लोगों ने ओमिक्रॉन फर्स्ट सोसाइटी और एस वन सोसाइटी और आसपास की सोसाइटियों में, विशेष करके जो खाली पड़े अपार्टमेंट हैं, इनमें टोटी वॉश बेसिन और जो अन्य इसका सामान लगा रहता था उसको चोरी करते थे और चोरी करके इसको बेचते थे। इसमें से एसआई धर्मेंद्र, एसआई नीरज और नदीम अली टीम ने सिरसा गोल चक्कर के पास से ये तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। और इन गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम हैं मोहम्मद आरिफ, धर्मेंद्र और अभिषेक। ये अभिषेक पहले से भी थाना कासना की एक चोरी के मामले में वांछित चल रहा था और इनके पास से 137 नल टोटी हैं, 4 शावर हैं, 4 वॉश बेसिन टोटी हैं, एक बैटरा इन्वर्टर, ग्लेंडर, गैस कटर मशीन, समरसिबल मोटर, आरी बंडल इत्यादि तथा 50,000 रुपये नगद और एक गाड़ी मिली है सेंट्रो i10, जिससे कि ये इसका परिवहन करते थे। बरामदगी के आधार पर इनको सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम दिन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।